नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंद सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों की यथाजुग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्री चैतन्य भागवत की कथा सुनेंगे, कल से फिर देखेंगे कोई फिर नया, इसको शाम को तो इसको कर लेंगे और सवेरे कोई नया ग्रंथ देखेंगे, मैं देख नहीं पाया कभी। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत में आए ऐसे नहीं आ गए, पहले सारे शास्त्र में महाप्रभु आएंगे हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में वेदों में पुराणों में उपनिषद में सब जगह में बताया हुआ है। श्रीमद् महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में प्रकटित होंगे, उनको पिताजी का नाम क्या होगा, उनकी मैया का नाम क्या होगी और उनकी पत्नी का नाम क्या होगा, फिर वो संन्यास लेकर के कहाँ रहेंगे, ये सबके सब डिटेल्स रूप में पहले शास्त्र में लिखा हुआ। इसलिए इसी जगत में जब कोई भगवान आते हैं वो ऐसे नहीं जब इच्छा आ जाए, नहीं, पहले लिख जाता है। कल जैसे सुन रहे थे, अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अगर आएगा आपकी बड़ौत में वो पहले से ही न्यूज में छप जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा, पहले मंत्री लोग आएंगे उनके लिए कितना, एक साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आए तो उसके लिए कितना तैयारी होता है। अगर वो विश्व ब्रह्मांड के मालिक जब इस जगत में आएंगे वो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, पहले सारे शास्त्र में ये लिख जाता है, हैं। इसलिए कल हम इसी विषय पर श्रवण कर रहे थे, आज हम लोग सुनेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जो जगत में आए उसको पीछे क्या क्या कारण है। तब से वृंदावन दास ठाकुर, कल उनका तिथि भी थी, हैं, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत को महाप्रभु की लीलाओं को जो वर्णना की है उनकी जन्म तिथि पर हम लोगों ने कल शुरुआत किया, मतलब बहुत बढ़िया दिन था, हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, बोले पूर्व ब्रह्मा जन्मिले नाभि पद्म हैते तथा पिव शक्ति नाई किछु देखिते अचिंत अगम कृष्ण अवतार लीला सही ब्रह्मा भागवते आपनी कहिला। वो कहते हैं
भगवान की जो लीला है वो साधारण वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान को बताया ये अधोक्ष सज है। अधोक्ष सज मतलब क्या है? अध मतलब होता है नीचा करके, अक्षज मतलब होता है हमारी जो जड़ ज्ञान को जो नीचे करके उसको ऊपर में जो विद्यमान है उसको कहते हैं अधोक्ष सज हैं। इसका मतलब है भगवान को हम ये जड़ मन से जड़ बुद्धि से हम भगवान को जान नहीं सकते। इसलिए बोले अवाम मनस गोचरम, हमारे वाणी और मन से भगवान ये अतीत है। कहते ये हमारी साधारण जो मन बुद्धि को आप छोड़ दो, ये जितने दूर तक ये जा सकता है इसका सोच, कहते उसको ऊपर में भगवान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कैसे उदाहरण क्या देते हैं, कहते जैसे श्री पितामह ब्रह्मा जब भगवान की नाभि कमल से सर्वप्रथम प्रकट हुए तो उनने हमारा तो एक सर, उनका चार सर था, हम तो साधारण जी ब्रह्मा ये जगत को सृष्टि करने वाले। वो भी पहले जब सृष्टि हुए चारों तरफ में पानी ही पानी देखा, कुछ देखी ही नहीं। फिर उन्होंने पता लगा फिर मैं कहाँ से आया हूँ, फिर ये कमल नाड़ों में हजार साल तक तो ढूंढते रहे मेरी सृष्टि का कोई था नहीं पाए, फिर ऊपर में आए। फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर को सुने, मतलब त और प। भगवान बोले तुम तपस्या करो, तब ब्रह्मा जी तपस्या किए। जब भगवान ब्रह्मा जी तपस्या किए भगवान ने बोले ज्ञानमय परम गृहम यद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यंच तदगंच गृहाणम गदितमय। भगवान ने ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को ठाकुर ने प्रदान किया है, हैं? फिर ब्रह्मा जी को समझ में कुछ आए। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, भैया हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ दो, जिनकी तत्व को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए फिर हम साधारण जीव कहाँ समझ सकते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर ये चीज़ को वर्णना कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए तो वृंदावन दास ठाकुर यद्यपि व्यास देव है तब भी कह रहे हैं मैं और ठाकुर का महिमा को मैं कितना जान सकूँ, हैं? मैं कैसे ठाकुर का महिमा को जान पाऊंगा। इसलिए कहते सही ब्रह्मा भागवत अपनी कहिला, ब्रह्मा जी स्वयं ये श्रीमद् भागवत में खुद ये बात को उन्होंने बताया। और जिस समय में हैं जिस समय में ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े और सखा को चोरी किया वो भी समझ नहीं पाई भगवान। बाद में जब पता चला अरे ये तो मेरे बाप का बाप है, हैं? तब ब्रह्मा जी क्या कहते बोले जानंतु एव जानंतु। अगर कोई कहता है मैं भगवान को जानता हूँ, अरे वो जो मक्खन चुराता था ना घर घर में, हैं? वो जो गोपियों के साथ में रास रचाया ना, हैं? वो नटखट करता था, अरे हम सब जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते जो कहता है मैं जानता हूँ उनको जानने दो, लेकिन मैं पितामह ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा कहता हूँ, मैंने अगर पृथ्वी का रेतियों को कोई गिन सकता है, बारिश का बूंद को कोई गिन सकता, लेकिन उसका महिमा को कोई गिन नहीं सकते, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसलिए उन्होंने तब अभी यहाँ पर बता रहे भगवान का क्यों किस लिए अवतीर्ण होते हैं, बोले धर्म पराभव है। शाम को तुम खड़े होकर बोलना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? बोले धर्म पराभव है जखने जखने आधार मेरा प्रबलता बाढ़े दिने दिने। कहते भगवान कब आते हैं? कहते धर्म पराभव है जखन जखन। इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण स्वयं कहते अर्जुन जब जब इस जगत में धर्म पराभव है, जखन जखन धर्म की हानि होने लग जाता है और अधर्म प्रबल रूप में बढ़ने लग जाता है, साधु संत गो ब्राह्मण स्त्रियों के ऊपर में हैं इनके ऊपर अत्याचार होने लग जाता है संतों के ऊपर में, उस समय में क्या करता हूँ? उसी समय में जगत में अवतीर्ण होता हूँ। अवतीर्ण होकर क्या करता हूँ?
कहते विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों को विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं आता हूँ। ये बात को किसने बताए? कहते भगवान स्वयं बताए। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भगवान आ करके क्या करते हैं? राक्षस को मारते हैं। ये कोई अच्छा काम है मारना? क्योंकि भगवान सभी के लिए बराबर है, देवता हो नहीं तो दैत्य हो, लेकिन सबका बाप कौन है बताओ? सबका पिता कौन है? कृष्ण खुद कहते ना, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह। ये जगत का पिता माता भाई बहन मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। क्या क्या किया इंसान का है, राक्षस का नहीं? क्या उन्होंने देवता का है, दैत्यों का नहीं? सबका बाप है ना भगवान, सबका पिता है, एक ही तो पिता है। कहते ना एक ही भगवान, वही एक ही है। भाई यहाँ प्रश्न करते हैं, उन्होंने जो मारते हैं, जैसे राक्षस का उन्होंने मारते हैं और देवता का पक्ष लेते हैं, अक्सर करके दिखता है भगवान क्या करे, देवता का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तब तो यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया भगवान सभी के लिए तो बराबर है चाहिए ना, तो ये देवता का पक्ष लेकर दैत्य को मारते फिर क्यों, कारण क्या है? तब तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बच्चा जब बदमाशी करता है, पिता मारता है कि नहीं उसको? थप्पड़ मारे कभी? मारे कभी थप्पड़? इसलिए कान मोल देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, हाँ उसको शासन करते हैं। ये जो शासन करना, थप्पड़ मारना, ये पिताजी की दया ना निर्दयता है? बोलो, दया है। मारना ही उसको दया है, नहीं मारेगा तो बिगड़ जाएगा, हैं? और विशेष करके भगवान की अंदर में एक विशेष गुण है, कहते हतारी गतिदायक, मतलब भगवान जिनको मारते हैं, ऊपर से दिखाई तो मार दिया, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वो पद नहीं मिलता है, भगवान के हाथ में मर करके जो गति इनको मिल जाती है। भगवान पुतना को मारे, लेकिन कहाँ स्थान दिया? गोलोक वृंदावन में धाई मैया की पद दे दिया ठाकुर जी ने, हैं? इसलिए जिन जिनियों को भगवान के हाथ में मरे ना, उनको भगवत गति मुक्ति मिल गई, जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए उद्धार होकर चले गए। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान अगर किसको मारते हैं, उनकी दुर्गति नहीं उसकी सुगति होता है। इसलिए यहाँ पर बताए, कहते यहाँ पर कहते हैं, अगर कोई प्रश्न करता है, भगवान कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, मैं युग युग में धर्म को स्थापन करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ। तब यहाँ पर कहते हैं, कहते भगवान को आने का क्या जरूरत है? भगवान और किसको भेज देते हैं? कहते अपना किसी भक्तों को भेज देते भगवान, तो कभी कभी उन्होंने भेजे हैं ना, किसी ध्रुव प्रहलाद सब के सब भक्त लोग आए हैं, सब किसी भक्तों को भेज देते, किसी राजर्षि को भेज देते, किसी ब्रह्मर्षि को वो भेज सकते हैं, हैं? कहते ये लोग भी तो आ करके जगत में क्या करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं ना। देखो जैसे हमारे गुरुदेव आए, हमारे गुरुदेव का गुरुदेव आए, और उनका गुरुदेव प्रभुपाद आए, और हमारे सड़ग स्वामी आए, आकर के जगत में प्रचार किया कि नहीं? बल्कि भगवान से भी ज़्यादा प्रचार किया स्वामी महाराज जो प्रभुपाद ने, देखोगे कितना प्रचार किया भगवान की भक्ति। कहते भगवान उनको तो भेज सकते थे, भगवान को आने का क्या जरूरत है, हैं? ठाकुर जी को आने का क्या जरूरत है? तब यहाँ पर कहते हैं, जो कहते साधु परित्राणाय भक्तानाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों को परित्राण, दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं। इसलिए कहते जो धर्म का जो स्थापन है ना, विशेष विशेष जो धर्म स्थापन है, जैसे महाप्रभु जगत में आए, उन्होंने क्या दिया? उन्होंने वो दुर्लभ प्रेम दिया, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद भी प्रार्थना करते हैं, अद्वैत आचार्य जो सदाशिव, साधारण भक्तों की बात छोड़ दो, ये अद्वैत आचार्य जी ये सदाशिव, लेकिन इन्होंने भी देखा ये प्रेम को मैं नहीं दे सकता हूँ, ये दुर्लभ प्रेम को, ब्रज भक्ति को, राधा रानी की निकुंज सेवा को तो मेरे प्रभु श्री सचिनंदन गौर हरि दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा जल तुलसी पत्ता लेकर भगवान को आह्वान किया, हैं? तब भगवान जगत में प्रकट हुए। तब यहाँ पर कहते हैं, विशेष विशेष जो धर्म को स्थापन कहते दूसरे के लिए बहुत कठिन है, ये भगवान ही कर सकते हैं।
और दूसरा कारण कहते हैं ऐसे कुछ भक्त हैं, जब तक ये भगवान को दर्शन नहीं करेंगे उनको इच्छा पूरी नहीं होता। भगवान इसलिए आते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जब उसको पिताजी ने पूछा बता तेरे भगवान कहाँ हैं, बोले बताओ मेरे प्रभु है ही नहीं कहाँ, बताओ, बोले क्या खंभे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे हुए हैं। बांस मारे मुष्टि का घात, खंभा फट गया और नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। इसे नरसिंह देव प्रकट हो गए, तब तो उन्होंने भक्तों को हैं ध्रुव श्री किसको प्रहलाद को आखिर क्या किया, गोद में बैठा दिया। हाँ जैसे चाटते हैं ना, जैसे ये हमारे जैसे शेर अपने बच्चे को चाटते हैं, प्रहलाद को चाटने लग गए। बोले प्रहलाद मेरे को आने में देर हो गया, मेरा अपराध माफ़ कर देना, मेरे लिए तेरे को कितने कष्ट सहने पड़ा। इसलिए जैसे ध्रुव प्रहलाद को अगर ये ठाकुर दर्शन नहीं देते कि तो उनकी जो भक्ति व उनकी जो उनका जो हृदय भरता नहीं। जब प्रभु का दर्शन मिला, गोद में ठाकुर जी बैठाए, सर को उन्होंने सहलाने लग गए, बस उनको आशीर्वाद दिया, तब उनका मन भर गया। जैसे ध्रुव महाराज जी तपस्या किए हैं, लेकिन जब भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिया, खुश हो गए, ठाकुर का दर्शन हो गया, ठाकुर जी वरदान दिए, वो प्रसन्न हो गए। इसलिए कहते ये जो काम हैं, कहते ये भक्त लोग को अंदर में जो भावना है इनके अंदर में, कहते हैं उनका जो दर्शन करने का उत्कंठा है, कहते ये उनका जो व्यग्रता है, हैं, कहते केवल भगवान को दर्शन करके ही होगा। भगवान के मनोहर रूप, सुंदर रूप हैं, दर्शन करके ही भगवान, तभी भक्तों लोगों का मन भर जाता है। जैसे कृष्णा, कितने सारे भक्तों को कृष्ण ने दर्शन प्रदान किया है, भक्तों को दर्शन दिया है। इसलिए कहते यहाँ पर जो परित्राण, बोले किस चीज़ से परित्राण, कहते उनका अंदर में जो विरह है, ये विरह दुख को दूर करने के लिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं, हैं अवतीर्ण होते, कहते ये एक कारण है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दुष्कृति, कहते बिना सायच दुष्कृता, ये तो हो गया भक्तों को दर्शन दे करके इनके हृदय को प्रेम में भर दिया। बोले दूसरा कारण है क्या, बोले दुष्टों को विनाश करने के लिए हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे उन्होंने रावण नाम सुने रावण का, अब ये रावण को कोई मार सकता था, ब्रह्मा रोज आकर वहाँ घर में वेद सुनाता था। हनुमान जब पहुँच गए ना, देखा उसको पिताजी को देखा घर में झाड़ू लगा रहे, भाई भगवान मेरे पिता झाड़ू लगा रहे। अग्निदेव को पूजा करते घर में, कपड़ा साफ कर रहा था। नारद जी बीणा बजा रहे थे, ब्रह्मा जी वेद स्तुति सुना रहे थे, शंकर जी भी घर में बैठे हुए, लंकिनी है, और जो नवग्रह को हम पूजा करते हैं वो सब के सब बंदे बड़े हुए, सब बांध करके रखा, ये किसी को नहीं छोड़ा। और काल को पैर को नीचे दबा करके बैठा हुआ, काल तो उसको पैर को नीचे ही दबा हुआ था, हैं। इसलिए कहते जो परित्राणा बिना साय जो दुष्कृताम, कि दुष्टों को विनाश करने के लिए आते हैं। अगर प्रभु राम नहीं आते उसको कौन मारता बता, वो किसको हाथ में मरेगा नहीं, प्रभु के बगैर किसको हाथ में वो मरने वाला नहीं। कहते जैसे शिशुपाल है, हैं, ये भी जब तक प्रभु का हाथ में मरेगा नहीं इसकी उद्धार ही नहीं होगा, केवल प्रभु का हाथ में मर करके ही उद्धार होने वाले, और किसको हाथ में मर करके ये उद्धार नहीं होने वाले हैं। इसलिए और ये इसलिए भगवान जगत में क्या करते हैं, आकर के भक्तों को हैं कहते इनके हाथ में मर करके ही उनकी गति मिलती है, नहीं तो किस कोई व्यक्ति मारने पर उनका गति नहीं होगी। पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, इनको किसने वध किया, कौन कौन वध किया, भगवान बराहदेव और भगवान श्री नरसिंह देव, ये दोनों ने वध किया हैं, लेकिन इनकी गति नहीं मिली। फिर दूसरे अवतार दूसरे जन्म में आए कौन कौन, रावण और कुंभकर्ण, किसने मारा उनको, राम ने, लेकिन इनकी गति नहीं हुई। तीसरे शिशुपाल दंत भक्त मारा किसी ने, भगवान ने कृष्ण मारे, जब कृष्ण मारे तब की गति मिली, तब वैकुंठ फिर गए जय विजय बन करके, लेकिन तब भी कुछ बाकी रह गया। बोले क्या रह गया,
बोले अभी तक उनको प्रेम नहीं मिला है उनकी। फिर किस रूप में आए, जगाई और माधाई हैं। जब जगाई माधाई रूप में आए, जब महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु ने क्या उनको प्रेम दे दिया उनको। और दिन में एक एक लाख हरिनाम करते थे और सारे संतों का चरण धुल लेते थे, भक्तों के लिए घाट बना देते थे, जो आते थे चरण धुल लेते थे, दिन रात रोते थे हैं हमने कितने लोग को सताया, और नित्यानंदपुर का सर्प हमने फोड़ दिया, दिन रात रोते थे। हृदय में महाप्रभु ने क्या कर दिया, प्रेम को भर दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते इस सब कारण को बोले धर्म संस्थापना है, कहते ये धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान जगत में आते हैं। बोले भैया कौन सा धर्म है, कहते एकमात्र हमारी अर्चन ध्यानादि लक्षण युक्त शुद्ध भक्ति योग वह वैध इलो अन्य कर्तिक कर्तिक न। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान जगत में एक तो कितना कारण हो गया, धर्म को स्थापन, दुष्टों को विनाश, और जो तीसरा हो गया है तो नहीं, धर्म स्थापन, दुष्ट विनाश, साधु को रखिया और धर्म स्थापन। क्या धर्म स्थापन में कौन सा धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं, कहते अर्चन ध्यान आदि हैं, भगवान की जो अर्चन सेवा पूजा हैं इसको शिक्षा देने के लिए, और जगत में शुद्ध प्रेम को, जगत में शुद्ध भक्ति को जगत में स्थापन करने के लिए। ये वैधि भक्ति होने पर भी केवल भगवान की द्वारा ही हो सकता है। कहते इस सब कारणों को लेकर के क्या हुआ है, कहते कारणों को लेकर के श्री सचिनंदन गौर हरि इस जगत में आए हैं। इसलिए कहते कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिनंदन। कलियुग का युग धर्म क्या है, कलियुगे धर्म है नाम संकीर्तन। ये नाम संकीर्तन रूपी धर्म को स्थापन करने के लिए महाप्रभु जगत में अवतीर्ण हुए हैं। इसलिए और कौन सा कारणों को लेकर के आए, हम लोग पहले बार आए थे ना, हम लोगों ने सुना चैतन्य महाप्रभु चार कारणों को लेकर के आए। कहते दो साधारण कारण और दो मुख्य कारण। साधारण कारण में ये हरिनाम संकीर्तन युग धर्म, और दूसरा कारण क्या, वो जो दुर्लभ प्रेम है ब्रह्मा का, एक दिन में एक बार आ करके महाप्रभु वो ब्रज प्रेम को, दुर्लभ राधा जी की चरण की सेवा को प्रदान करते हैं। और जो मुख्य कारण में जो साधारण कारण है, कहते अद्वैत आचार्य बुलाने पर जगत में आए, आगे सुनेंगे। और जो चौथा कारण है राधारानी की, कैसे राधारानी कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, राधारानी की प्रेम की क्या महिमा है, और कृष्ण का अंदर में क्या माधुर्य है, वो सर्वश्रेष्ठ कारण है। ये सब कारणों को लेकर के जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए ये सब कारण महाप्रभु जगत में आने का ये सब कारण है। ठीक है, फिर शाम को और क्या क्या कारण है महाप्रभु जगत में आने का, इसको फिर हम लोग शाम को फिर सुनेंगे। ठीक है, कितना समय मैंने कथा सुना, तेईस मिनट सुनाया, ठीक बहुत हो गया, ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 I
Krishna hai tera guru,
Hare 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 Hare
Bye.
राधा भजनी जय मति नाही करणी जय।
आनंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण जय श्री गुरु महाराज।